हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे टेंडर के प्रोसीजर के बारे में कि टेंडर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखोगे किसी भी न्यूज़पेपर में जैसे ऐड निकलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, तो वो कैसे कैसे करके हमें टेंडर मिलता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंडर का जो नोटिस निकलता है वो न्यूज़पेपर में निकलता है और गवर्नमेंट गैजेट में निकलता है, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं और फिर इनविटेशन दिया जाता है कि जैसे कोई रजिस्टर्ड कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए इनविटेशन दिया जाता है कि यहाँ पे टेंडर लिया, आप आगे फॉर्म खरीद सकते हो। देन उसकी ओपनिंग होती है और एक्सेप्टेंस होती है। अगर 10 लोगों ने भरा है वो फॉर्म या 20 लोगों ने टेंडर खरीदा है तो 20 लोग आएंगे, उनके सामने वही ओपनिंग होगी और जो सबसे लिस्ट प्राइस होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद बाकी सबका रिजेक्शन कर दिया जाता है। रिजेक्शन किस बेस पे किया जाता है वो भी इसमें मैं बताऊंगा आगे। और एट द एंड पर अलॉटमेंट ही दिया जाता है इंजीनियर के द्वारा और जो वो और जो ऑफिसर्स होते हैं सीनियर ऑफिसर उनके सामने उस जिसका लिस्ट प्राइस होता है उसको अलॉटमेंट दिया कर दिया जाता है, ठीक है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है उसमें बेसिकली ड्राइंग्स होती है, बिल ऑफ क्वांटिटी होती है कि कितना का कितना काम है, कितना स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है, फर्स्ट क्लास करना है सेकंड क्लास करना है, और कंडीशन होती है कि कब तक आपको पूरा करके देना है। फिर जैसे मैंने बताया कि टेंडर नोटिस निकलता है न्यूज़पेपर में निकलता है, गवर्नमेंट गैजेट में निकलता है, और आप कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे सिंचाई विभाग या किसी भी ब्लॉक में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस बोर्ड, उस पर भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका, ड्राफ्टिंग होती है डॉक्यूमेंट की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कितनी अर्नेस्ट मनी होनी चाहिए, कब तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितनी सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए, कब टेंडर खुलेगा उसके समय, ठीक है, कब सबमिट किया जाना है, लास्ट डेट वगैरह, ये सब कुछ होता है उसमें। तो फिर उसके बाद इनविटेशन होता है न्यूज़पेपर में, नोटिस बोर्ड पे, और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है पोस्ट के द्वारा, ठीक है। ओपनिंग और एक्सेप्टेंस होती है सभी के सामने, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्टर जिस जिसने भरा होगा, और लाउडली जो टेंडर खोलेगा सबका प्राइस बताता है कि इसने इतना का कोट किया है, किसने इतना का कोट किया है, जो सबसे कम कोट वाला होगा उसको अलॉटमेंट दिया जाता है। अच्छा, रिजेक्शन के ऊपर आपके तीन चार हैं कि आपका जो टेंडर सील नहीं है और फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, अर्नेस्ट मनी जो होती है वो कम है या लेट पहुंचा, ये आपके कारण हो सकते हैं किसी टेंडर को रिजेक्ट करने के, ठीक है। और आपकी जो टर्म और कंडीशन है उसको गवर्नमेंट मानती है या नहीं मानती है इस पर भी डिपेंड करता है। तो उसके बाद अलॉटमेंट कर दिया जाता है उस कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी चार कॉपी प्रिपेयर की जाती है, जिसको एक एससी के पास रहेगी, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तीसरा अकाउंट के पास रहेगी और चौथी रहेगी उस कॉन्ट्रैक्टर के पास, ठीक है। उसके बाद एक एग्रीमेंट तैयार होता है स्टैम्प पेपर पे, इंजीनियर के साइन होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर के साइन, तो ये सबसे ज़रूरी है कि दोनों के साइन हो। तो टेंडर का यही प्रोसीजर है, आप कभी टेंडर को अब डाल भरना चाहो किस तरह भरी जा सकता है, अगर आप न्यूज़पेपर में देख के भरना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर में देख के टेंडर भरा जाता है।